Good afternoon, students. Now, balance of trade. What is balance of trade? It refers to the difference between value of exports and imports of visible items, that is goods only. Therefore, balance of trade equal to export of goods minus import of goods. Now, balance of trade ka matlab hota hai ki it is difference between value of exports and imports of visible items. Yadi विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड. आपको याद रखना इसमें हम लोग इन विजिबल आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ है. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड ये दोनों अलग अलग चीज़ है. क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग केवल विजिबल आइटम्स को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं. विजिबल आइटम्स क्या होता है प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है. जो गुड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल आइटम्स. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी. नाउ बीओपी जो है उसमें आपको दो टाइप का अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. पहला होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी यानी कि बीओपी का जो कंपोनेंट्स है, बीओपी का जो पार्ट्स है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट देखते हैं हम लोग. करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच डू नॉट काउज अ चेंज इन द एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट्स और गवर्नमेंट. नाउ करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी हम लोग उस पार्ट को बोलेंगे, या फिर वहाँ जो रिकॉर्ड्स होता है वो उस टाइप का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है जिससे ना तो कोई जो है आपको लाइबिलिटी क्रिएट होता है और ना ही आपको एसेट्स में कोई चेंज होता है, ठीक है. तो ना तो कोई एसेट्स में चेंजेज होता है और ना ही लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपको करेंट अकाउंट, ठीक है. तो यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ और चेंज इन एसेट्स की बात हो रही है ये इन द टर्म्स ऑफ फिनंशियल एसेट्स की यहाँ बात हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे नेचर क्या है, फिनंशियल है, ठीक है. यहाँ पे आपको मनी रिलेटेड है. यहाँ पे हम लोग फिजिकल एसेट्स की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं. ओके, सो करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच डू नॉट काउज अ चेंज इन द एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट्स और गवर्नमेंट. या तो गवर्नमेंट का या फिर कोई आदमी का जो रेसिडेंट्स है किसी कंट्री का. रेसिडेंट्स किसको बोलते हैं ये ऑलरेडी हम लोग जब हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, तो वहाँ पर हम लोग ये सब पढ़े हैं. It contains the receipts and payments relating to all the transactions of visible items, invisible items, unilateral transfers and income from investment and work. इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ आता है? Transactions related to visible items, जो हम लोग export करते हैं और import करते हैं. कोई भी goods का जो हम लोग export करते हैं यानी कि हम लोग बेचते हैं दूसरा country में, उसके बदले में हम लोग के पास में क्या आता है? Money आता है. और जब हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, गुड्स को हम लोग बाहर से, गुड्स या सर्विस को हम लोग बाहर से खरीदते हैं और हम लोग पेमेंट करते हैं दूसरा कंट्री को, ठीक है. तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विजिबल आइटम्स का हो गया, उसी तरह से इनविजिबल आइटम्स का यहाँ पे सर्विसेज रिलेटेड होगा. या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होता है. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हम लोग उस ट्रांसफर को बोलेंगे जो वन साइडेड होता है, वो ट्रांजेक्शन जो वन साइडेड ट्रांजेक्शन होता है, जैसे गिफ्ट्स, डोनेशंस, ये सब की जो हम लोग जो बात किए थे. या फिर जो रेमिटेंसेस मिल रहा है, जो बाहर में जो वर्क कर रहा है उससे जो इनकम आ रहा है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है. तो ये सब जो आपको जो ट्रांजेक्शन्स होगा उसको हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं. द पेमेंट टू आउटसाइड और व्हिच कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिटेन ऑन द डेबिट साइड. याद रखना है कि यदि पेमेंट बाहर जा रहा है यानी कि जो फॉरेन जो एक्सचेंज है जो मनी है वो यदि बाहर जा रहा है दूसरा कंट्री को हम लोग दे रहे हैं तो वो आपको किस में चला जाएगा, वो आपको चला जाएगा डेबिट साइड में. और यदि हम लोग रिसिप्ट ले रहे हैं, यदि हम लोग पेमेंट हम लोग ले रहे हैं बाहर से, मनी का फ्लो हमारे कंट्री में हो रहा है, तो उसको हम लोग किधर हम लोग उसको नोट करेंगे, उसको लोग नोट करेंगे क्रेडिट साइड में. यदि मनी जा रहा है बाहर, यदि फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग डालेंगे डेबिट साइड में. और यदि वहाँ से आपको मनी आ रहा है
हमारे कंट्री में, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट यदि आपको निकालना है तो आप देखेंगे नेट वैल्यू क्या है क्रेडिट एंड डेबिट का। सभी क्रेडिट को आप ऐड कर देंगे और फिर सभी डेबिट को आप ऐड कर देंगे और उसके बाद उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू जो वहाँ से आपको निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। ठीक है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है या फिर वो आपको इक्विलिब्रियम में होगा, बराबर होगा। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच काउज अ चेंज इन द एसेट्स और लाइबिलिटीज फिनेंशियल इन नेचर ऑफ रेसिडेंट्स और गवर्नमेंट। ठीक है, ना उसी के रिवर्स उसका उल्टा, करेंट अकाउंट का उल्टा अपोजिट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आपको बोला गया है कि यहाँ पे उस ट्रांजेक्शन्स को नोट किया जाता है जो आपको या तो लाइबिलिटीज क्रिएट करता है या फिर एसेट्स में जो आपको चेंज होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ दिस टाइप आर, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएगा। पहला आएगा बोरोइंग एंड लेंडिंग। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ लोन्स, जो लोन्स बाहर से बोरो किया जाएगा दूसरा कंट्री से या फिर यदि लोन्स को दिया जाएगा तो इसको रिकॉर्ड जब किया जाएगा तो उसको कैपिटल अकाउंट में आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ लोन्स। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ सच टाइप इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स एंड देयर रीपेमेंट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। ठीक है, जो रिसिप्ट होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा आपको क्रेडिट साइड में और जो रीपेमेंट होगा जो बाहर दिया जाएगा पेमेंट किया जाएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट आइटम्स में। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका ये भी कंपोनेंट्स है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों का क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इसको हम लोग FDI बोलते हैं इन शॉर्ट। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच गिव्स फुल कंट्रोल टू द बायर ओवर दिस एसेट। ना जो FDI में जो होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो होगा उसमें आपको एसेट को परचेज किया जाता है, बाहर में आपको उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वहाँ पे एसेट को परचेज किया जाता है और उसका पूरा कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर में, फर्म के ऊपर में पूरा जो है उसका मालिकाना हक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन फर्म बाय ITC लिमिटेड। एक एग्जाम्पल है कि ITC लिमिटेड एक कंपनी है, वो यदि आपको दूसरा कंट्री में फॉरेन कंट्री में जाके यदि कोई फर्म को आपको एक्वायर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे FDI। परचेज ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। याद रखना है कि परचेज ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। यदि आप एसेट को खरीद रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दूसरा कंट्री में जा करके वहाँ का आप एसेट को खरीद रहे हैं तो ये डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि आपका जो आप संपत्ति तो एसेट तो खरीद रहे हैं लेकिन आपका जो मनी जो है वो आपका जा रहा है, इन आउटफ्लो हो रहा है हमारे कंट्री से दूसरा कंट्री में आपको जा रहा है, क्योंकि आप एसेट खरीद रहे हैं तो उसके लिए उसको पेमेंट कर रहे हैं आप, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। सेल ऑफ एसेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और जब आप सेल करते हैं एसेट को तो आपको मनी मिलता है, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है आपके पास में आ रहा है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच डज नॉट गिव फुल कंट्रोल ओवर द एसेट। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता था, फुल कंट्रोल होता था एसेट के ऊपर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको फुल कंट्रोल नहीं होता है, जस्ट एक शेयर जो है आपको कंपनी का फर्म का जस्ट एक शेयर जो है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन फर्म बाय टाटा इंडस्ट्री। टाटा इंडस्ट्री यदि किसी फॉरेन फर्म का एक शेयर को जो है खरीदा तो उसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड सेल ऑफ एसेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। इसमें क्या आ रहा है,
परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। यदि आप एसेट्स को परचेज कर, यदि आप शेयर को परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको आप पैसा दे रहे हैं तो ये आपको रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। और सेल ऑफ एसेट्स यदि आप शेयर को बेच रहे हैं आपको पैसा मिल रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, यानी कि यदि आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, जा रहा है तो डेबिट साइड में। नेक्स्ट इज चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फिनेंशियल एसेट्स ऑफ अ कंट्री हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। आपको मालूम है कि सेंट्रल बैंक के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहता है, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी है उसका रिजर्व आपको रखा हुआ रहता है। व्हेन एडिशन टू दिस, यहाँ पे एडिशन होगा, व्हेन एडिशन टू दिस रिजर्व्स इज मेड इंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ बीओपी। यदि इसमें रिजर्व में आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में यदि आपको एडिशन हो रहा है तो वो आपको डेबिट साइड ऑफ बीओपी में जाएगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपको डेबिट साइड में डेबिट साइड है वहाँ पे जाएगा, क्योंकि उससे निकल रहा है, क्योंकि उससे निकल के आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जा रहा है। एनी विदड्रॉल फ्रॉम दिज रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। और यदि हम लोग वहाँ से निकाल रहे हैं, यदि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा है उससे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ पे नोट करेंगे, हम लोग उसको कहाँ इंटर करेंगे, तो क्रेडिट साइड में उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि जो करेंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट्स है उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है और वो कहाँ पे आपको ऐड होता है। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस इज द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट हम लोग पहले निकालेंगे और वो जो वैल्यू होगा वही आपको बताएगा कि कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस है या नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है या फिर डिसइक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग सभी जो है क्रेडिट आइटम्स को ऐड कर देंगे और फिर हम लोग डेबिट आइटम्स को हम लोग ऐड कर देंगे और फिर हम लोग देखेंगे आपका उसका नेट वैल्यू क्या है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स किसको बोलते हैं, दिस रेफर टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। जो भी आइटम्स आप देखिए, जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसका आपको वो दो टाइप का होता है, यानी कि उसको हम लोग दो पार्ट्स में उसको हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है ऑटोनोमस आइटम्स, दूसरा होता है एकोमोडेटिंग आइटम्स। फिर से आप सुनिए, जो कुछ भी हम लोग आइटम्स देखें, जैसे एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, लोन लेना हो गया, दूसरा जगह पे आपको लोन देना हो गया, ये सब आपको सभी आइटम्स को हम लोग दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। एक हो गया ऑटोनोमस, दूसरा हो गया एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स का जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपको मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मोटिव होता है। जैसे मान लो यदि कोई कंपनी जो है कोई गुड्स को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है। उसी तरह से यदि आप वहाँ से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो जो कुछ खरीद रहा है कोई कंपनी बाहर का कंपनी, उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, वो बेचना चाह रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो इस आइटम्स को हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस आइटम्स। तो जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है ना, वो आपको किस टाइप का आइटम्स हो गया, वो हो गया ऑटोनोमस आइटम्स। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन है किसी कंट्री का, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, बस इसको तो पैसा कमाना है, इसको तो बस प्रॉफिट कमाना है। यानी कि यदि गवर्नमेंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यदि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो निगेटिव है, ठीक है, यानी कि हम लोग जो है एक्सचेंज जो हो रहा है, जो जो आपको इनफ्लो हो रहा है वो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, यानी कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं मान लो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो यदि निगेटिव है तो इससे जो है इसको कोई मतलब नहीं है ऑटोनोमस आइटम्स को, क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, कंट्री का क्या सिचुएशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस ऑन बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। याद रखना है कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होगा वो आपको करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों में जो है ये जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि गुड्स कहीं यहाँ पे बात, गुड्स या सर्विस की बात हो रहा है, ये मनी का भी जो लेन देन होता है, जो शेयर खरीदना शेयर बेचना, ये सब जो लेन देन है प्रॉफिट मोटिव से, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो ऑटोनोमस आइटम्स होता है वो दोनों साइड्स में आपको दोनों टाइप का होता है, कैपिटल अकाउंट टाइप का और करंट अकाउंट टाइप का। दीज आइटम्स आर आल्सो नोन एज एबव द लाइंस, और इसको हम लोग बोलते हैं एबव द लाइंस,
यहाँ पे दो है, एक है बिलो द लाइन्स एंड एक होता है एबव द लाइन्स। तो जो ऑटोनोमस आइटम्स है वो आपको हो गया एबव द लाइन्स, एक लाइन यहाँ पे खींच दो एबव द लाइन्स हो गया, और आपको एकोमोडेटिंग आइटम जो है ये होगा बिलो द लाइन्स। ऐसा क्यों होता है ये आपको हम बताने जा रहे हैं, पढ़ी एकोमोडेटिंग आइटम्स को देख लीजिए। Accommodating atoms. These types of atoms refer to transactions that are undertaken in order to establish BOP identity. ठीक है, not determined by profit maximization. जो accommodating atoms होता है उसका जो main motive होता है वो होता है accommodation, adjustment. और इसका जो है profit maximization नहीं होता है। अब आपको एक example बताते हैं। मान लीजिए कि जो इस देश जो इंडिया है उसका यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट यानी कि निगेटिव है, ठीक है, यानी कि मान लो कि यदि हम लोग 100 करोड़ जो है 100 करोड़ जो इसको हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट जो है वो 100 करोड़ है और जो इम्पोर्ट है वो 150 करोड़ है, तो आपको डेफिसिट कितना है, 50 है माइनस 50 है। फिर से सुनिए, यदि इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है आपको 100 करोड़ का और जो इम्पोर्ट है वो कर रहा है 150 करोड़ का, यानी कि हम लोग ज़्यादा जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे हैं, तो माइनस 50 जो है ये क्या हो गया, आपको यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का वैल्यू हुआ, ठीक है, यहाँ पे डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कम करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए, हम लोग जीरो पर लाने के लिए क्या किए, बाहर से हम लोग लोन ले लिए, जो वर्ल्ड बैंक है उससे हम लोग लोन ले लिए ₹50 करोड़ का। तो ₹50 करोड़ का जो हम लोग लोन लिए, वो लोन क्यों लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो ये जो लोन हो गया ये हो गया एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, undertaken by the government sector only, इसका मोटिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बस इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है एडजस्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए ऐसा किया जाता है, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ऐसा किया जाता है। दिस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैपिटल अकाउंट पर होता है, इसीलिए क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो कैपिटल टाइप का होता है। जैसे आपको बताया अभी बोरोइंग, पैसा का जो है लेन देन होता है, पैसा बाहर से लिया जाता है, लोन लिया जाता है ताकि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट कर सके, डेफिसिट को कम कर सके। ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन्स इसको बुलाया जाता है। अब बिलो द लाइन्स एंड एबव द लाइन्स का मतलब क्या होता है, एबव द लाइन्स इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये जो आइटम्स है ये कब निर्भर करता है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या सिचुएशन है उसके ऊपर में निर्भर करता है। तो ऊपर में आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ये सब किसका पार्ट है, ये सब आपको है, ये कौन सा आइटम्स हुआ, ये आपको ऑटोनोमस आइटम्स हुआ, जो एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, ये कौन सा आइटम्स हुआ, ये हो गया आपको ऑटोनोमस आइटम्स। तो इसीलिए हम लोग ऑटोनोमस आइटम्स को हम लोग ऊपर रखते हैं, लाइन के ऊपर में है। और फिर जो रिजल्ट यहाँ पे आता है, मान लो कि यहाँ पे माइनस 50 आया रिजल्ट जो है आपको, जब हम लोग यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग निकाले यहाँ पे तो माइनस 50 आया, ठीक है। तो इस माइनस 50 को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ये जो आपको 50 जो आपको डेफिसिट हो गया इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लोन लेते हैं जो कि एकोमोडेटिंग आइटम्स होता है। तो ये जो है आपको बिलो द लाइन्स हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो आपको डिसाइड करता है कि हम लोग को कितना जो है बाहर से कर्ज लेना है, कितना बोरो करना है मनी। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स जो है वो डिपेंडेंट रहता है किस पे, ऑटोनोमस आइटम्स पे। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बिलो द लाइन्स, ऊपर में इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर में आपको ये सब लिखा है, ऑटोनोमस आइटम्स लिखा है, उसका क्या सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन के अनुसार जो हम लोग नीचे में हम लोग इस आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, कितना लोन लेना है नहीं लेना है, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, ये आपको ऊपर वाले वैल्यूज के ऊपर में डिपेंड करता है। ना डिस इक्विलिब्रियम इन बीओपी, ना बीओपी जो है हमेशा आपको इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है दोनों हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल लेगा, ये आपको डिस इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, यानी कि हम लोग ज़्यादा जो है बाहर से ला सकते हैं और कम जो है हम लोग बाहर दे सकते हैं, या फिर हम लोग कम जो है ला सकते हैं ज़्यादा दे सकते हैं। तो
तो यानी कि दोनों साइड यदि इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम जो है आपको दो तरह का हो सकता है, एक सरप्लस हो सकता है व्हेन पेमेंट्स आर लेस देन इट्स रिसीव्स। यदि हम लोग बाहर से ज़्यादा जो है मनी हम लोग के पास आ रहा है और हम लोग पेमेंट कम कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बीओपी, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा है डेफिसिट बीओपी व्हेन पेमेंट्स आर मोर देन इट्स रिसीव्स। यदि हम लोग पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं यानी कि ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिसिट बीओपी। तो उस केस में हम लोग तो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। नाउ कॉजेज, क्या कारण है डिसइक्विलिब्रियम का। पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएगा, ऑल द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। जैसे मान लो यदि इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है, तेज़ी में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे यदि खर्च कर रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए तो बाहर से हम लोग ला सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे रीजंस हैं जिसके चलते जो है आपको डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी होता है। उसका पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, यदि आपको पॉलिटिकल आपको इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, और कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल जो है आपको स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है या फिर जो गवर्नमेंट जो सेलेक्ट हुआ उसका जो है आपका व्यू कुछ और है, उसका पॉलिसी जो है कुछ और है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। यदि किसी गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने का पॉलिसी है मान लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा ही। उसी तरह से सोशल फैक्टर्स भी है, मान लीजिए आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस यदि सोसाइटी का चेंज हो रहा है, जो फॉरेन गुड्स को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं यानी कि अमेरिकन जो गुड्स है जो दूसरा कंट्री से जो गुड्स आता है उसको हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको सोशल फैक्टर हो गया। और भी बहुत सारे आपको इसके अंदर में फैक्टर्स आ सकता है, आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स, जिसके कारण जो है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी होता है। So this is all about the balance of payment and we have completed the macroeconomics. Macroeconomics को हम लोग complete कर लिए हैं, Indian economic development को जो है ब्रजेश सर देख रहे हैं, और यदि उसमें आपको कुछ doubts होगा तो आप जो हमसे पूछेंगे। और अब जो है next class से हम लोग Indian economic development का जो बाकी है उसको हम लोग देखेंगे। This is all about today's class. Thank you.